धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा कर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे धौलपुर जिले के डॉक्टर मंगल सिंह राजकीय चिकित्सालय पहुंची, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वृद्धजन बाढ़ में मरीजों को फल वितरित किए और मरीजों से कुशल क्षेम पूछी। पूर्व सीएम राजे ने कहा कि 17 सितंबर को आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। हम लोगों ने सेवा सप्ताह शुरू किया था जो आगामी 20 सितंबर को कम्प्लीट हो जाएगा। राजे ने कहा कि हम लोगों ने तय किया है कि ब्लड डोनेट कैंप, हॉस्पिटल और स्वच्छता, इन कामों को अपने हाथ से करेंगे। वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सारी शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों के लिए किया गया है। भाजपा पार्टी के लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का और काम करेंगे। सबसे पहले तो आज 17 तारीख 17 सितंबर आज हमारे प्रधानमंत्री की सालगिरह है, और जैसे आपको सबको विदित होगा, हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक सेवा सप्ताह चालू किया था जो 20 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, और वो उनकी सालगिरह के उपलक्ष्य में है। हम लोगों ने ये तय किया था कि ब्लड डोनेशन कैंप्स और फ्रूट्स और हॉस्पिटल्स और स्वच्छता और ऐसे कार्यक्रम अपने हाथ में लेंगे, और 7 दिन का लगातार हम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने हाथ में ये काम लेंगे। आज उसी उपलक्ष्य में हम सब की ओर से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं वृद्ध जनों के बीच में इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया, सबको फल देने का काम से हम लोगों ने चालू किया। मुझे मालूम है कि पार्टी के लोग अब इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाने का काम जरूर करेंगे। ये इसके बाद यहाँ थोड़े कई दिनों से 4-5 दिन पहले अच्छी जोरदार बरसात हुई और उसकी वजह से नदी में बाढ़ आई। मेरे को बताते हैं कि 96 के बाद इस तरीके का बाढ़ आज तक नहीं आया है, और जो मार्ग तक वो पहुंचा था उस समय, उसमें और आज में बहुत ही कम फर्क बाकी बचा है, बहुत पानी फैल गया है। और मैंने जब चेक किया तो मैंने देखा कि राजाखेड़ा के करीबन 20-22 गांव थे जो जलमग्न हुए, और धौलपुर और बाड़ी के गिनते हुए मैंने देखा 28 तो पूरे, जहां से अपन नदी पे खड़े थे उसके पुराने पुल के पास जो देखा अपन ने, तो वहाँ वो 28 पूरे दिखाई दे रहे हैं, पूरा का पूरा पानी वहाँ फैला हुआ है। जैसे आज राजाखेड़ा के वो 20-22 गांव में पूरा पानी जहाँ जहाँ हमने देखा था वो सब पूरा फैला हुआ है। सर मतलब में भी पानी आया हुआ है। इन कई गांव में हम रुके, जो पहले के गांव थे जो सचिनपुरा और क्या कहते हैं गोपालपुरा और फिर उसके नीचे जो जिसे हैं उनके बुरा और वो सब कठुमरा और वो सब दूसरे गाँव से बहुत सारे लोग नाव में बैठ बैठ के इस तरफ आ गए थे, तो वो बता रहे थे कि उनका बहुत बड़ा संकट आ चुका था और मैंने उसमें से वो जूझ रहे थे। उन्होंने ये भी मेरे को कहा कि प्रशासन की ओर से जिस तरीके से हम एक्सपेक्टेशन रखते थे कि हमारी मदद होगी वो हमको नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजनिवास पैलेस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चंबल नदी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर बाढ़ के हालात का जायजा लिया। पूर्व सीएम राजे ने बताया कि यहां मुझे लोगों ने बताया है कि हालात खराब हैं और यहां गांव डूब रहे हैं। राजे ने कहा कि मैंने वाटर वर्क्स वालों से पूछकर जानकारी ली है, 1996 में जो पानी आया था उस लेवल पर स्थिति पहुंचने वाली है। वसुंधरा ने कहा कि राजाखेड़ा क्षेत्र के गाँव का दौरा करूंगी, वहां देखकर लोगों के हालातों का जायजा लिया जाएगा। कुछ गांव धौलपुर जिले के ऐसे हैं जो पूरी तरह से पानी से घिर चुके हैं, उन गांव को देखकर मैं कल झालावाड़ के लिए निकल जाऊंगी। 1996 के बाद धौलपुर में ऐसे हालात देखे गए हैं। धौलपुर के चंबल नदी पुल के ऊपर से देखा तो शमशान घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि प्रशासन के साथ भाजपा के लोगों ने भी बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की कोशिश की है। वसुंधरा ने कहा कि बाढ़ आपदा में स्कूल, घर, मकान जितने भी डूबे हैं, इसके अलावा फसल खराबी में कितना नुकसान हुआ है उसकी प्रशासन पटवारियों से सर्वे कराकर राज्य सरकार को अवगत कराए। धौलपुर जिले में फसल खराबी की हालत बहुत ही खराब है,
इन सब की अच्छी रिपोर्ट तैयार होकर प्रशासन को राज्य सरकार के पास पहुंच जानी चाहिए, जिससे सरकार गंभीर होकर जल्दी से जल्दी लोगों को मुआवजा देने का काम करे। पूर्व सीएम राजेंद्र ने कहा कि मैंने देखा है सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सरकार को जितना गंभीर होना चाहिए उतना नहीं हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र ने कहा कि भाजपा के कॉलेज चुनाव में जहां जहां युवा चुनाव जीत कर आए हैं, वह जाकर बाढ़ आपदा में फंसे हुए लोगों की मदद करें। बाकी भाजपा के समस्त कार्यकर्ता जहां जहां आपदा आई है वहां बचाव कार्य में लगे हुए हैं। युवा जो चुनाव जीत कर आए उनके लिए बड़ा मौका है कि लोगों को फील्ड में जाकर मदद करें। भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहा कि बाढ़ आपदा में फंसे हुए लोगों को भोजन और दवाई पहुंचाएं। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे की बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कल सोमवार को ही फायरिंग का मामला अवतूल पकड़ने लगा है। आज कस्बे की पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित सभी बैंकों के कर्मचारियों ने एक सिरफिरे युवक द्वारा बैंक में घुसकर की गई फायरिंग के विरोध में कार्य बहिष्कार किया। बैंक कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य बहिष्कार से बैंकों में सन्नाटा पसरा रहा, तो वहीं बैंक उपभोक्ता भी कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य बहिष्कार से खासे परेशान रहे। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सरद चौहान ने बताया कि कल सोमवार को एक युवक द्वारा बैंक में घुसकर फायरिंग कर दी, जिसमें एक 12 वर्षीय बालक सहित दो लोग घायल हो गए। घटना की निंदा करते हुए कस्बे के सभी बैंकों के कर्मचारियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए कार्य का बहिष्कार किया और बैंक में सुरक्षा गार्ड लगाए जाने को लेकर बाड़ी उपखंड अधिकारी सुमन देवी को ज्ञापन सौंपा। बैंक कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए बताया कि बैंकों में 15 दिन के अंदर अगर सुरक्षा गार्ड नहीं लगाई तो जिले एवं प्रदेश स्तर पर कार्य का बहिष्कार कर आंदोलन किया जाएगा। बैंक कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि बैंकों में संचालित ई मित्र केंद्रों को बैंक परिसर से हटाकर किसी अन्य सरकारी कार्यालय में व्यवस्थित कराया जाए। जब से बैंकों में आधार कार्ड के लिए ई मित्र संचालित किए गए हैं, तब से बैंकों में भीड़ का माहौल बना हुआ है। ऐसे में लूट चोरी की वारदात का भी भय बना रहता है। जिला अधिकारी मैडम है, उनसे ये भी सबमिशन रहेगा कि जो आधार सेंटर हैं ये बैंक में ना हो के जो गवर्नमेंट प्लेसेस हैं, जैसे डीएम ऑफिस है, एडीएम ऑफिस है, बीडीओ ऑफिस है, एसडीएम ऑफिस है, निगम परिषद बाड़ी है, इन चीज़ों में ये चीज़ें हों तो ज़्यादा सक्सेसफुल और अच्छे तरीके से हो, क्योंकि ये सारा सिविल का, पंचायती राज का है और लोगों का ज़्यादा काम है, तो वहाँ चीज़ें इफेक्टिवली और अच्छे से हो पाएंगी और इससे बैंकों में भी जो कामकाज है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। और ये जो हमें बेहवे थोड़ा माहौल है और वो सिक्योरिटी है, ये भी एनफोर्स होता है। सब बैंक वाले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सभी लोग आकर के कल जो असामाजिक तत्व द्वारा हमारे बैंक के अंदर आके और बिना किसी काम के, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं थे, उसने आके भागा वातावरण को करने के उद्देश्य से गोली चलाई। उस गोली से एक बच्चा घायल भी हो गया, उसको ऑपरेशन होके बम उसके उसकी जान बच पाई। तो हमारी एस डी एम साहब से ज्ञापन के माध्यम से समस्त बैंक कर्मचारियों की ये मांग है कि हमें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। जब मेरी बैंक सुरक्षित नहीं रहेगी, बैंक का ग्राहक सुरक्षित नहीं रहेगा, बैंक का कैश सुरक्षित नहीं रहेगा, मेरे परिवारिक जन सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो आखिर हम सब लोग मिलकर बैंक में नौकरी करेंगे क्यों? बैंक में नौकरी अपने सामाजिक सुरक्षा के लिए, सामाजिक सेवा के लिए कर रहे हैं। इसमें आधार कार्ड सेंटर जो खोला गया है, इससे भी जब से ये खुला है तब से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। इसके लिए क्या करोगे आप? इसके लिए हम आधार सेंटर वालों से, अपने ऊपर अधिकारियों से ये कहेंगे, आधार सेंटर चलाना है तो हम बैंक प्रेमिसेस के बाहर कोई अलग से किराए के लिए कमरा लेकर के अलग से आधार चलाया जाए। ये कार्य बहिष्कार आज तक का ही है कि एक और भी एक दो दिन? अभी हम 15 दिन का समय देंगे अपने स्थानीय स्तर पर पुलिस के लिए, और एसडीएम साहबा को भी ज्ञापन दिया, प्रशासन इस मामले में सुरक्षा की व्यवस्था करवाए, नहीं तो 15 दिन बाद फिर जिला स्तर पर एसडीएम साहब को और जो एसपी साहब हैं उनको भी ज्ञापन दे करके समस्त बैंकों की सुरक्षा की मांग करेंगे, और आवश्यकता पड़ने पर जिले स्तर पर बैंक कर्मचारी एक होकर, एक मत होकर, एक बैठक करके आगामी निर्णय लेंगे आंदोलन। धौलपुर शहर के धूलकोट निवासी युवक ने कोतवाली थाने में एमसीएच प्रभारी पर प्रसूता के ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित दिनेश यादव द्वारा दर्ज कराए गए मामले में बताया गया है कि 19 अगस्त को उसकी पत्नी पूजा यादव का डॉक्टर बीडी जिंदल और उसके स्टाफ ने अस्पताल में प्रसव कराया। प्रसव कराने के बाद चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ ने उसकी पत्नी के टांके लगाते वक्त पट्टी को सिल दिया, जिससे उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। पीड़ित ने बताया कि इलाज के दौरान चिकित्सक की लापरवाही का
पता चलने पर उसकी पत्नी को 20 दिन बाद फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक की लापरवाही का पता चला। 20 दिन बाद पट्टी को बाहर निकालने के बाद महिला की तबीयत फिर से बिगड़ गई, जिसे चिकित्सक बीडी जिंदल ने रेफर कर दिया, जिस पर परिजन महिला को आगरा के निजी चिकित्सालय में ले गई, जहां 28 घंटे के इलाज के बाद महिला की हालत में सुधार न होने पर उसे आगरा से दिल्ली ले जाया गया, जहां महिला ने उपचार के दौरान 13 सितंबर को दम तोड़ दिया। मंगलवार सुबह मृतक महिला के पति ने चिकित्सक बीडी जिंदल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। कोतवाली थाना प्रभारी रमेश तंबर ने बताया है कि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच की जा रही है। क्या हुआ? मैं डिलीवरी के लिए आया था और मैंने डॉक्टर साहब ने पैर छोड़ दिया था भीतर, और पैर के बाद इंजेक्शन इतना फैल चुका है कि किडनी मेरा सब कुछ काम करना बंद कर दिया है। बेचारी मेरी बच्ची का क्या कर सकता है, इसका कौन लान नहीं करेगा? किसकी लापरवाही? जो डॉक्टर और डॉक्टर के लापरवाही सबसे ज़्यादा मात्र 30 साल है मेरे वो छोड़ के चली गई डॉक्टर और की वजह से। मेरी बच्ची की देख रेख कौन करेगा? किस अस्पताल में लापरवाही लगा रहे हैं? जिस सावन चिकित्सालय उसमें देखिए सरकारी अस्पताल की लापरवाही थी। डॉक्टर का नाम? डॉक्टर बीडी जिंदल डॉक्टर साहब थे उनका स्टाफ, और मैंने बोला भी था तो उन्होंने मना कर दिया, कोई जांच की जरूरत नहीं है, मेरे से जहाँ तक मना कर दिया। क्या लापरवाही हुई? उन्होंने पैर छोड़ दिया था इसके, जब डिलीवरी अच्छी मुझे डिलीवरी होगी जाने के बाद जब पेट्रोल हुआ तो उनके नीचे निवास में दिखाया और उन्होंने बोला जी तो दर्द होता रहता है। उसके बाद फिर बाद में थोड़ा मेरे को धागा दिखा तो मैं आया तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने जल्दबाजी में एज किया, वो घबरा रही थी बहुत ज़्यादा, और फिर उन्होंने बीड़ी विवेक शुक्ला जी ने उनको भी बुलाया था जिंदल साहब को। अब इस बच्ची का मैं क्या करूँगा, कैसे लाल पानी करूँ? आपने क्या कराया भैया? हाँ मैंने भैया खुद मैंने भैया दर्ज कराई है, इस बच्ची को इंसाफ तो मिले कम से कम, अगर इंसाफ नहीं मिलता मैं क्या करूँगा इसका, इंसाफ मेरे इस बच्ची को इंसाफ की कहके गई है मेरे से मर से मर के, मेरी बच्ची को देखना और इंसाफ के लिए लड़ना। क्या नाम आपका? मेरा नाम देव यादव, मेरी पत्नी पूजा यादव। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं बसेड़ी की विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने बाढ़ ग्रस्त ग्रामों का दौरा किया एवं ग्रामवासियों से बाढ़ ग्रस्त से आने वाली परेशानियों पर रूबरू हुए और उनकी समस्या पर ध्यान देकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बाढ़ ग्रस्त से होने वाले नुकसान का सर्वे कर जल्द से जल्द मुझे बताया जाए और मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस बाढ़ ग्रस्त में जो हुए नुकसान को जल्द से जल्द जनता को राहत दिलाने का आश्वासन दिया एवं उन्होंने कहा कि जनता के हर सुख दुख में साथ देना मेरा कर्तव्य है कि मैं जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहूं और रहूंगा। इस मौके पर बसेड़ी के पूर्व प्रधान एवं पीसीसी मेंबर लाखन सिंह खिंडौरा एवं राया बाबू शर्मा राम भरोसी मीणा जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजवीर मीणा पत्तो शर्मा भरत लाल तयूब खान एवं यूथ कांग्रेस और NSUI मौजूद रहे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाभान्वित होने वाले कृषकों के बैंक खाता विवरण पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। जिला कलेक्टर नेहा गिरी ने बताया कि पीएम किसान टीम द्वारा स्टेट लेवल पर अपलोड किए गए डाटा का परीक्षण करने पर बैंक खाते का विवरण गलत होने के कारण कृषक विशेष के आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों का दुरुस्तीकरण जिला स्तर से किया जाना अपेक्षित है। दुरुस्तीकरण के लिए पीएम किसान पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध है। उन्होंने ACP उपनिदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि उपलब्ध विकल्प के उपयोग के लिए पीएम किसान पोर्टल पर विभाग का यूजर अकाउंट क्रिएटेड करवाया जाकर अस्वीकृत आवेदन पत्रों में दुरुस्तीकरण कराया जाना सुनिश्चित करें। धौलपुर जिले में बढ़ी हुई DLC की दरों के विरोध में तीसरे दिन रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं हुई एक भी रजिस्टर या बढ़ी हुई DLC की दरों के विरोध में आमजन ने सांसद मनोज राजौरिया को ज्ञापन दिया और मनोज राजौरिया ने आमजन को पूर्णतः आश्वस्त किया कि DLC की दरों पर पूर्ण विचार आवश्यक रूप से किया जाएगा। उच्च अधिकारियों से संपर्क में आज ही बात करेंगे। इसके साथ ही SDM धौलपुर को भी ज्ञापन दिया गया है एवं तहसीलदार माननीय श्यामवीर सिंह सिसोदिया को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों की प्रविष्टियों के सत्यापन के संदर्भ में चलाए जा रहे
मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के दौरान मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप गतिविधियों के तहत सतरंगी सत्यापन सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर नेहा गिरी ने बताया कि प्रत्येक पोलिंग स्टेशन स्तर, विधानसभा क्षेत्र स्तर एवं जिला स्तर पर 18 से 24 सितंबर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव बेपरपुर में 27 वर्षीय एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। युवक द्वारा आत्महत्या करने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सके हैं। वहीं मृतक युवक के परिजनों द्वारा कराई गई प्राथमिकी में भी आत्महत्या करना बताया गया है। थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि बिपरपुर गांव में राजेश पुत्र लालपति नामक एक युवक ने अपने कमरे में फांसी लगा ली है। जब मौके पर पहुंचे, इससे पहले परिजन उसे आगरा ले गए थे, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराने के बाद सबको सुपुर्द कर दिया। मृतक के पिता द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें पुत्र द्वारा आत्महत्या करना बताया है। थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया है और युवक द्वारा आत्महत्या करने के कारणों की जांच की जा रही है।